भारत के इतिहास में ऐसे कई वीर योद्धा हुए हैं जिनके सिर्फ नाम से ही दुश्मन कांप जाते थे। इनकी वीर गाथा हम सभी बचपन से ही सुनते पढ़ते आ रहे हैं। क्या आप उस वीर योद्धा के बारे में जानते हैं जिनकी तुलना अंग्रेज नेपोलियन से किया करते थे? नहीं ना? लेकिन दोस्तों, हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने वीर सपूतों के बारे में जानें। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। आज मैं आपको भारत के वीर सपूत हरि सिंह नलवा की वीरता की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसने पूरे अफगानिस्तान को ही हिलाकर रख दिया था। ये उन दिनों की बात है जब अफगानिस्तान से आने वाले शासकों से पूरा भारत डरा करता था, जिन्होंने अफगानों और पठानों के खिलाफ कई जंगों का नेतृत्व किया और विजय भी रहे। कश्मीर पर विजय प्राप्त कर हरि सिंह नलवा ने अपनी वीरता और पराक्रम का लोहा पूरे भारतवर्ष में मनवाया। इतना ही नहीं, हरि सिंह ने काबुल पर चढ़ाई कर अफगानों से उनकी राजधानी तक छीन ली। हरि सिंह नलवा का जन्म 1791 में संयुक्त पंजाब प्रांत के गुजरावाला में हुआ था। हरि सिंह के पिता का नाम गुरदयाल सिंह और माँ का नाम धर्मा कौर था, लेकिन हरि सिंह जब 7 वर्ष के थे तो उसके सर से पिता का साया उठ गया। पर कहते हैं ना दोस्तों, होनहार विरवान के होत चीखते बाद 1805 में बसंतोत्सव के मौके पर महाराजा रंजीत सिंह ने एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें हरि सिंह नलवा ने भाला चलाने, तीर चलाने और घुड़सवारी जैसी विद्याओं में अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। इससे प्रभावित होकर महाराजा रंजीत सिंह ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया। उनके साथ कुछ सैनिक और हरि सिंह भी थे। उसी समय एक बाघ ने महाराज पर हमला कर दिया। बाघ के अचानक हमले से रंजीत सिंह समेत सभी सैनिक डर गए, लेकिन हरि सिंह बाघ से लड़ पड़े और देखते ही देखते हरि सिंह ने बाघ के जबड़ों को अपने हाथों से पकड़कर बीच में से चीर डाला। इस बहादुरी को देखकर रंजीत सिंह ने कहा, तुम तो राजा नल सिंह जैसे बलशाली वीर हो। हरि सिंह को 800 घुड़सवार सैनिकों का सेनानायक बना दिया। इसके बाद हरि सिंह ने महाराजा रंजीत सिंह के लिए 20 से ज्यादा लड़ाइयों में सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने 1813 में अटक, 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1823 में पेशावर को महाराजा रंजीत सिंह की रियासत में मिला दिया। उनकी बहादुरी की वजह से उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। सरदार हरि सिंह नलवा ने खैबर दर्रे की सीमा की हमेशा बहादुरी से रक्षा की। अफगान आक्रमणकारी नियमित रूप से इस क्षेत्र में हमले करते रहते थे। हरि सिंह के जीते जी अफगान कभी भी इससे आगे नहीं बढ़ पाए। 30 अप्रैल 1837 को जमरूद पर एक भयंकर आक्रमण हुआ। हरि सिंह उस समय बीमार चल रहे थे, फिर भी उन्होंने युद्ध में भाग लिया। उन्होंने अफगानों से उनका असला बारूद छीन लिया, परंतु लड़ते लड़ते हरि सिंह बुरी तरह से घायल हो गए और वे वीरगति को प्राप्त हुए। मगर हरि सिंह की रणनीति उनके मरने के बाद भी काम करती रही और उनकी मृत्यु के बावजूद अफगान पेशावर पर कब्जा नहीं कर पाए। ये थी भारत के वीर सपूत हरि सिंह नलवा की वीरता की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ में ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत